मंत्रिमंडल में। अरे कहाँ से आना यार, बस बस यार। आज तक का जो सबसे छोटा मंत्रिमंडल था हमारा, उसमें अब हमने विस्तार किया है एक साल बाद, जिसमें हमने दो मंत्रियों को बनाया है और ये भी विस्तार अभी आवश्यक था। इससे पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री होता था वो पूरे 12 के 12 मिनिस्टर्स बना देते थे, लेकिन हमने अपने मंत्रिमंडल को थोड़ा छोटा रखा था और जब कहा जरूरत हमें महसूस हुई तो हमने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और अभी एक पद इसमें मंत्रिमंडल का खाली है जिसे जल्दी ही आने वाले समय में भरा जाएगा। सर लोकसभा चुनाव से पहले भरेंगे सर जो एक पद बचा है या? नहीं, हाँ लोकसभा चुनाव से पहले भी उसको भर सकते हैं और निश्चित तौर पर अभी हमारे डिप्टी स्पीकर है और मंडी से भी एक व्यक्ति को हम इसमें क्या कहते हैं अपने जो पोस्टें होती हो उसमें जगह देंगे। सर पार्लियामेंट्री वाइज दिए जा रहे हैं और क्या रीशफल भी होगा पोर्टफोलियो? देखिए अब नए मंत्रिमंडल बने हैं, पोर्टफोलियो दिया जाएगा, थोड़ा बहुत रीशफल जहां होना होगा उसको करेंगे। सर पार्लियामेंट्री वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास? हाँ पार्लियामेंट वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है और पार्लियामेंट वाइज और जो समीकरण है जातिगत समीकरण भी होते हैं उस आधार पर इसको बिठाने की हमने कोशिश की है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर जो कांग्रेस की विकास है उसमें सरकार हिमाचल प्रदेश का जो विकास करना है सभी मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर हिमाचल प्रदेश के आत्मनिर्भरता की जो हमने नींव रखी है उसमें आगे बढ़े। हाँ मंडी से चंद्रशेखर जी को आने वाले समय में जगह मिले। जनता का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अपने शुभचिंतकों का जिनकी बदौलत जो है हम ईश्वर कृपा से जो है यहाँ आज हमें ये स्थान मिला है। जनहित सर्वोपरि है, हम राजधर्म के सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। ये धर्माणी की लंबाई इंतजार था, उस इंतजार में क्या मार्ग में चले आपकी? प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी दायित्व देंगे और जो भी विभाग की जिम्मेवारी दी जाएगी उसके थोड़ा अध्ययन करके सबको साथ मिला के एक कलेक्टिव विजडम को अप्लाई करके जो है हम जो ट्राई टू डिलीवर और बेस्ट। सर आप पहली बार मंत्री बने, इससे पहले सीपीएस थे, लेकिन मंत्री क्या ऐसा विजन है स्टेट के लिए? स्टेट का क्योंकि 2048 में हिमाचल के गठन हुए 100 साल हो जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है हम उसको व्यवहारिक रूप पहनाते हुए हिमाचल प्रदेश को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट बनाने के लिए जो भी वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाएंगे और हमारी ये कोशिश होगी कि हिमाचल ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि दुनिया के अग्रणी देशों के बराबर जो है वो खड़ा हो और अपनी एक पहचान बने। अभी भी हमारी अपनी अलग पहचान है, छोटा प्रदेश जरूर है लेकिन हिमाचल प्रदेश बहुत सारी चीज़ों के लिए, अच्छाई के लिए, भोलेपन के लिए, यहाँ की सुंदरता के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए जाना जाता है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम अर्थव्यवस्था भी हमारी ठीक हो, आर्थिक तौर पे भी हम वहाँ खड़े हो सकें जहाँ दुनिया के कई देश जिनकी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के बराबर या इससे कम भी है लेकिन उनकी जो इकॉनमी है बहुत स्ट्रांग है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए पहले इसका हम आर्थिक तौर पे इसको संपन्न प्रदेश बनाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि 2032 तक हम इसको आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और हम उस तरफ जो है अपना बेहतर से बेहतर योगदान देने की कोशिश करेंगे। जहाँ जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी हम उसको उसका निर्वहन करेंगे, चाहे वो अपना विधानसभा क्षेत्र तो सर्वोपरि है लेकिन बिलासपुर के साथ जो जो भी जिम्मेवारी दी उसको निभाएं। सर ये जो संसदीय पार्लियामेंट्री जो तालमेल है वो भी क्या बिलासपुर से मंडी और आसपास के जिलों में? मंडी किसी टाइम, बिलासपुर जो है किसी टाइम मंडी पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी का हिस्सा रहा है।
बहुत पहले की बात है, तालमेल पहले से ही है। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से समस्त हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री खासदार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने साथ कैबिनेट में जो है वो स्थान दिया है। और साथ ही साथ मैं आला हमारे हाईकमान के सभी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे इंचार्ज हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे हिमाचल प्रदेश के मंत्री के रूप में जो है उन्होंने यहाँ पर सहमति बनाई है और आज मैंने उसकी गोपनीयता की शपथ ली है। तो मैं आपके माध्यम से समस्त आला नेताओं का और प्रदेश के सभी नेताओं का, हमारे अध्यक्षा और उप मुख्यमंत्री हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। युवा मंत्री आप और युवा मंत्री के नाते क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या मन में आप जो आप करना चाहते हैं? देखिए विधायक रहते नहीं कर पाए, जो मुख्यमंत्री जी का ये नारा है कि व्यवस्था परिवर्तन जो एक नारा चलाया है और जिसके अनुरूप मुख्यमंत्री जी दिन रात हिमाचल प्रदेश में प्रयासरत हैं, तो मुख्यमंत्री जी के साथ जैसे ही अभी तो विभाग आवंटित भी होगा और साथ में जो पोर्टफोलियो मिलेगा उसके अनुरूप जो भी योजनाएं हैं और प्रदेश हित में और हर जनमानस के ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी योजनाएं होंगी उसको धरातल पे हम जो है वो लेके आएंगे। नहीं नहीं किस बात की नाराजगी, तो किसी बात की नहीं। कांगड़ा बड़ा जिला है, पार्लियामेंट के चुनाव है, उसको लेकर जिम्मेदारी क्या आपके कंधों पे रहेगी? स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी बेला पे जो है हमें जिम्मेवारी दी है और एक्सपेंशन का भी हिस्सा बनाया है, तो हम कोशिश करेंगे अपनी ओर से और सभी हमारे जिला के जो 10 विधायक हैं सब मिलके, हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट चेयरमैन हैं, सब मिलके जो है एकजुटता का पाठ देके और सब लोगों को इकट्ठा लेके जो है जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनको हम अपनी ओर से जिताने का हर संभव प्रयास करेंगे। जो पिछले 5 साल के MP रहे हैं उनका कार्यकाल भी जिला कांगड़ा और चंबा जानता है, पार्लियामेंट हल्का जानता है कि उनका जो गैर मौजूदगी उस पार्लियामेंट इलाके में थी, जो नाराज़गी और जो उपेक्षा का शिकार जिला कांगड़ा और चंबा बना है, आने वाले 2024 के चुनावों में जो है निसंदेह ये दोनों जिले जो हैं इस बात का करारा जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।